का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। मोतिया तालाब मिर्जापुर विंध्याचल पहाड़ पर स्थित इस तालाब में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जहां पागल कुत्ता काटा हुआ इंसान सिर्फ मोतिया तालाब में स्नान कर ले तो ठीक हो जाता है। वैज्ञानिक भी हताश हो गए इस तालाब की शक्ति जानकर। नवरात्रि और श्रावण में लोग मोतिया तालाब के पास खाना भी बनाते हैं। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता अन्नपूर्ण श्रीवास्तव की। नमस्कार मित्रों, मैं अन्नपूर्ण श्रीवास्तव मिर्जापुर से। मैं आप लोग को आज अशुभिजा पहाड़ मोतिया तालाब लेकर आई हूँ। आप लोग को जानकारी देना चाहती हूँ, यहाँ पर चाहे कितना भी पहला कुत्ता काट ले, यहाँ सिर्फ 7 बार नहाने से लोगों का वो ठीक हो जाता है, विष खत्म हो जाता है। चाहे कोई कितना भी विषैला हो, जिसकी जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई इस तालाब में नहाने भर से, वो ठीक हो जाता है। और कुछ तो रोगी सफ़ेद दाग और लकवा जैसे इत्यादि बहुत ढेर सारी बीमारियां हैं, इस तालाब में इस कुंड में नहाने भर से ठीक हो जाता है। ये मोतिया तालाब अशुभुजा पहाड़ पर है। आप लोग थोड़ा सा दृश्य देखें। धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने जैसा कि देखा अशुभुजा पहाड़ पे मोतिया तालाब है और इसकी जानकारी आपको मैंने दिया। आप लोग मिर्जापुर आए तो जब भी आए यहाँ पर तो आप अशुभुजा पहाड़ पे मोतिया तालाब जरूर आए। और यहाँ का जल भी बहुत फायदेमंद है, अगर आप लोग ले जाते हैं, जो व्यक्ति नहीं आ सकता है बीमारी से उठ करके, उसे उस जल से सिर्फ हाथ पैर मुँह पोंछते हैं तो भी ठीक हो जाता है। धन्यवाद मित्रों, मैं अन्नपूर्णा श्रीवास्तव काश्मीर इंडिया से संवाददाता मिर्जापुर। जिला खीरी तहसील निघासन में दुनिया का सबसे बड़े रहस्यमयी मनुष्य जिनका नाम सीताराम गिरी है, ये दावा करते हैं कि ये एक बार में 5 किलो किसी प्रकार की मिठाई खा सकते हैं। पीलीभीत से हमारे संवाददाता देवेंद्र पुरी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया, मैं देवेंद्र पुरी। ये तहसील निघासन जिला खीरी में एक रहस्यमय इंसान है जो कि जिनका नाम सीताराम गिरी है और इनका कहना है कि एक बार में 5 किलो मिठाई और 20 भांग की पुड़िया और 5 लीटर दारू एक साथ में पी जाते हैं। क्या है सच है, इन्हीं से पूछते हैं। हाँ तो सच है, 5 किलो मीठा और जो है 15-20 भांग की पुड़िया, किसी भी तरह की मिठाई, किसी भी तरह की मिठाई 5 किलो 15-20 एक बार में खाते हैं। किसी भी तरह की कच्ची गन्ना की गुड़ की मिठाई हो, चाहे काला जाम हो, चाहे लौज हो, चाहे लड्डू हो, चाहे जलेबी हो, कुछ भी हो। और 5 किलो एक बार में शराब कितनी पी लेते? एक बार में शराब 5-6 बोतल 5-6 बोतल मतलब 5-6 लीटर 5-6 लीटर वही। अच्छा, और एक बार में खाना कितना खा सकते हैं? खाना खा सकते हैं कम से कम, मान लो वही 20-25 रोटी खा लेते हैं, ऊपर से कम आधा 500-600 ग्राम चावल खा लेते हैं। मतलब 15 किलो खाना और मिठाई एक साथ चाहिए तुमको? एक साथ चाहिए। और काम करते हैं तो जो इतना काम करते हैं कि 2 आदमी हमसे जो टकरा नहीं पाते हैं। तो तुम्हें बर्ड रिकॉर्ड में घोषित किया जाना चाहिए? नहीं, ये तो बात हम नहीं कह सकते हैं। ये बात ये है कि जो हम अपना घरेलू काम करते हैं, अपने घर रहते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा, और कोई तुम्हारे तहसील निघासन में तुम्हारे जैसा है? नहीं, हमारे जैसा है लेकिन हमसे नीचे है ना। नहीं मतलब इतना नहीं खा पाते? इतना नहीं खा पाते, जो जितना हम खा लेते हैं और जितना काम करते हैं उतना नहीं है। लेकिन एक दोस्त हमारा है, विनय नाथ है कि है, ठीक है, वो जो विनय नाथ जो है वो हमारा जो बराबरी कर लेता है, फिर हमसे जो है 70% है, 30% नीचे रहता है।
मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और तुम्हारे बराबर खाना खाना और मिठाई और शराब एक साथ में शायद भारत में कोई नहीं खा सकता। नहीं भारत की बात तो नहीं बता सकते, खीरे की बात। तहसील निघासन के पास निघासन रोड पर बंगला गांव के पीछे 15 साल से एक रोड बंजर वीरान पड़ा हुआ है, जिसके बनने की ग्रामीण बरसों से उम्मीद लगाए रहे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछली अखिलेश यादव की सरकार में विधायक कृष्ण गोपाल पटेल थे, जिन्होंने वादा किया था कि यह रोड एक साल में बन जाएगा, लेकिन एक साल की बजाय 10 साल हो चुके हैं और आज बीजेपी के विधायक शशांक वर्मा ने भी यही वादा किया। पीलीभीत से हमारे संवाददाता देवेंद्र पुरी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया, मैं देवेंद्र पुरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया, मैं देवेंद्र पुरी। वीडियो बनाओ हमारे ऊपर, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। रोड किस रेंज में आ रही? रोड लदौरी पंचायत, लदौरी पंचायत। विधायक कौन? शशांक वर्मा। हाँ। बीजेपी के हैं, समाजवादी के? बीजेपी। बीजेपी। ये रोड पास है कागजों में या नहीं? बना हुआ नहीं है कागजों में? पास है कागजों में। ये कितने साल से तो बंजर पड़ा है? ये तो कुछ बहुत साल हो गए। बहुत साल? हाँ। फिर भी लगभग तो 2-3 साल हो गए, एक लंजा लगे 2-3 साल हो गए। हाँ। तब से जब ऐसा ही पड़ा है? हाँ, तब से ऐसा ही पड़ा है। इसके आगे भी ऐसा ही है? आगे आगे तो सही है, आगे तो सही है। हाँ। कोशिश नहीं की कभी बनवाने की? कोशिश है, चक्राले प्रधान करा रहे थे, यही बना रहे थे। नहीं, तुम लोगों ने मांग की नहीं की? हम लोग इधर रास्ता ही नहीं है ज़्यादा हमारा लोगों का, हम लोग उधर ही निकलते हैं, उधर ही। हाँ। सेव कर लो, सेव कर लो। समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोर्स ऑन सिक्योरिटी फैसिलिटी सर्विस वी प्रोवाइड ऑल टाइप सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बाउंसर एंड सिक्योरिटी गार्ड। कॉन्टेक्ट ऑन 8317070751 9919229153 and 9696859393। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते। जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पटौना पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान खिड़किया बाजार के उत्तर आम के बाग के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर चोरी की 3 अदद बोलेरो व अभियुक्तगढ़ के कब्जे से 3 अदद नाजायज तमंचा, 3 अदद कारतूस, 2 अदद फायर शुदा कारतूस व वाहन चोरी करने के उपकरण, जिससे वो कोट भाषा में प्लान करते थे, बरामदगी की गई। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की रिपोर्ट। गाड़ी थोड़ा बाहर है, चारों को एक साथ करा ना, अब बीच में तुम लोग आ जा रहे हैं, चारों को एक साथ कर लेते हैं आवश्यक है। उसको भी उसको आगे क्यों नहीं कर रहे हो? पीछे ले आओ, चलो बैठा आगे ड्राइवर साहब, ड्राइवर गायब हो गया, फोन गाड़ी चला रहा था। चाहिए
थोड़ी है अब बनाने जा रहा है हम भैया बात थोड़ी कर सकते बचा देनी है अब पीछे जाइए अब पीछे जाइए सर पुलिस ने अच्छा काम किया है, क्या रिकवरी हुई है? ये कोतवाली पुलिस द्वारा कुशीनगर में एक कुख्यात वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। इसमें चार अपराधी सामने आए हैं। इनके द्वारा जो लग्जरी गाड़ियां थी जैसे बुलेरो स्कॉर्पियो, इनको चुरा करके नेपाल अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के जरिए भेजा जाता था। कुशीनगर पुलिस ने देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान इस गिरोह को पकड़ा। इस गिरोह से कई औजार बरामद हुए हैं जिनकी सहायता से ये लोग जो गाड़ियां थी उनको चोरी करते थे। ये लोग एक स्पेशल की का यूज़ करते जिसे ये प्लान कहते थे, जिससे बुलेरो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां ये खोल लिया करते थे। यदि कोई वाहन मालिक चेन लगा करके उसको सेफ्टी अपनाता था तो उसको प्लायर, एक बड़ा प्लायर इनसे मिला है तकरीबन 2 फीट का, उससे ये काट दिया करते थे और उसके बाद इसको तस्करी करके नेपाल या अन्य जगहों पर बेचा करते थे। इनमें से जो एक मुख्य इनका गिरोह का अपराधी था उसका नाम है विनोद पासवान। ये बुलंदशहर में 2014 में 1-3 करोड़ की लूट हुई थी सोने की दुकान पर, उसमें ये उस घटना में इसका योगदान रहा था, इसमें ये संलिप्त था और इसको अब गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन चारों अपराधियों इनसे 3 बुलेरो गाड़ियां बरामद हुई हैं, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। हाँ, तमंचा कारतूस, 3 तमंचे और बाकी कारतूस इन्होंने जो है पुलिस पर फायर भी किया था और जो फायर्ड कारतूस हैं वो भी इनसे बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल खड़गपुर कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय प्रेमचंद था, कथा साहित्य के विभिन्न आयाम थे। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता खड़गपुर कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज शाह थे, जबकि इस संगोष्ठी पर बीज भाषण प्रोफेसर अरुण होता अध्यक्ष हिंदी विभाग पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय बारासात ने किया। मुख्य अतिथि सहवक्ता प्रोफेसर दामोदर मिश्र विद्यासागर विश्वविद्यालय मेदिनीपुर के अलावा सिंहभूम कॉलेज के राजीव रंजन राकेश, आईआईटी खड़गपुर के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉक्टर राजीव रावत, बीसी कॉलेज आसनसोल के डॉक्टर विजय नारायण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में लगभग 200 छात्र छात्राओं ने शिरकत की। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। की हम बात करें तो 2 स्कूल हम खड़ा कर देते हैं, एक प्रेमचंद स्कूल, एक प्रसाद स्कूल। जनता ने दोनों को अपनाया, तुलसी और कबीर में सामान्य जनता को कोई समझ की कोई दुविधा नहीं है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन प्रगतिशील है, कौन मर्यादावादी है, और दोनों के बीच लड़ाई भी कर के आसार आपको कम मिल रहे हैं। तुलसी के पूरे रामचरितमानस में कबीर पर अगर एक पंक्ति खाली लागू होती है कि वो कबीर पढ़ेंगे, साखी सबदी दोहरा कह कहनी खान भगत निरुपाही हम कभी निंदेंगे पूरा, मात्र एक तुलसी का ही है कबीर पर आप छे। के दरमियान जब राष्ट्रभाषा की बात हो रही थी तो बहुत सारे यहाँ बंगाल से जी या हर जगह से जी, तमिल से जी, दक्षिण से जी, ये आवाज उठती थी हिंदी का ही नेचर में है क्या भाई, उसको राष्ट्रभाषा बनाए क्या देश की भाषा, और हिंदी के रचनाकार अपनी मौलिक कमी को संस्कृत या भारतीय भाषाओं के अनुवाद से पूरा कर रहे हैं। भारतीय में कितने बंगला नाटकों का, जैसे अगर आप सेवा सदन लेंगे, सेवा सदन के बाद का पढ़ा है निर्मला अवगमन,
उसके बाद का पड़ाव है आपका कर्मभूमि और गोदाम। मतलब ये जो एक जैसे मनुष्य की ये यात्रा होती है, आदमी की आदमी भी कई पड़ावों से गुजरता है, तो प्रेमचंद की रचनाओं को भी जब हम समझना चाहेंगे तो उन पड़ावों को समझना चाहेंगे। अब देखिए कि अछतोद्धार की बात, मतलब अछूतों का उद्धार करना, विधवा विवाह की बात करना, ये प्रारंभिक दिनों में बहुत मौजूद थे उस समय 1918-20 के आसपास। लेकिन जब ये समस्या उतनी बड़ी समस्या नहीं रही तब वो बड़ी समस्याओं की ओर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और रचनाकार वही होता है जो अपनी समस्याओं से रूबरू होता है। बिना अपनी समस्याओं से रूबरू हुए कोई अगर लिखता है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको विश्वसनीय नहीं मानेंगे। उसके बाद वो देखते हैं कि डाकू जब मजदूर बनता है तो खुश होते, होली को किसान से मजदूर की तरफ जाते हैं। लेकिन आज अगर प्रेमचंद जी इसको तमाम समझे तो मजदूरी भी जितनी होती है तो किसान की जो बदतर दशा है वही बदतर दशा मजदूरों की भी है। ये बदलाव उनको अनुभव होता अगर आज के समय में। लेकिन प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं तो भारत की पूरे हम भारत को पहचानने के लिए, अगर भारत के इतिहास को छोड़ें तो प्रेमचंद कथा साहित्य से गुजरेंगे तो पूरे भारतवर्ष को जान पाएंगे कि हमारा भारतवर्ष का समाज कैसा है और हमारे समाज की क्या क्या विडम्बना है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।